न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का, मेरा नीलम जायसवाल का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ काव्य के रंग कवियों के संग कार्यक्रम के लिए अपने कवि मित्रों के साथ परिचय कराती हूँ। सबसे पहले बाईं ओर मेरे संत कवि ओमकार दास वैष्णव जी हैं, जो जांजगीर चांपा से आते हैं, और उनके बगल में बहन शशि तिवारी जी हैं, कुम्हारी से आती हैं या टीचर हैं, और मेरे बगल में बैठी हैं प्रीति स्वरूप गुनगुन जी, जो पत्रकारिता क्षेत्र से हैं। मैं नीलम जायसवाल, आप सभी परिचित हैं। मेरे दाईं ओर हैं रश्मि अमितेश पुरोहित जी, जो भिलाई से हैं और कला परंपरा में कार्यकारी संपादक हैं। उसके बाद हाजी रियाज खान गौहर जी, वह भी भिलाई से हैं। मैं काव्य पाठ के लिए सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ। शशि तिवारी जी के लिए दो पंक्तियाँ देती हूँ कि जो चले है मन में तेरे ताड़ती लड़की, जो चले है मन में तेरे ताड़ती लड़की, धूल यादों से कभी तो झाड़ती लड़की, और दर्द खुशियाँ सब समेटे मुस्कुराती है, दर्द खुशियाँ सब समेटे मुस्कुराती है, बढ़ रही है आज झंडे गाड़ती लड़की। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा निजामत कर रही हैं नीलम जी। और चलिए, वैसे तो मेरा परिचय करा चुकी हैं, मैं अपने परिचय की पंक्तियाँ यहाँ रखती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि ठोकरे खूब लगा ले ये लगाने वाले, ठोकरे खूब लगा ले ये लगाने वाले, है मेरे साथ मेरे दोस्त उठाने वाले। बहुत सुंदर। है मेरे साथ मेरे दोस्त उठाने वाले, और कर दिया रब ने मुझे शम्मा बना कर रोशन, कर दिया रब ने मुझे शम्मा बना कर रोशन, बुझ गए खुद ही मुझे लोग बुझाने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बुझ गए खुद ही मुझे लोग बुझाने वाले, सच तो ये है कि शशि गिर के संभल सकती है, बेशक बेशक। सच तो ये है कि शशि गिर के संभल सकती है, उठ नहीं सकते मगर उसको गिराने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। उठ नहीं सकते मगर उसको गिराने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रृंगार की पंक्तियां लिखती हूँ। चलिए, गजल का मतलब और एक दो शेर अर्ज करती हूँ। स्वागत। कि इश्क में ये फिक्र करता कौन है, इश्क में ये फिक्र करता कौन है, कौन जीता और हारा कौन है, और एक बस तेरे तसव्वुर के सिवा मेरे दिल में और रहता कौन है। और शेर अर्ज किया है कि मोड़ आते ही जुदा हो जाएंगे, मोड़ आते ही जुदा हो जाएंगे, मंजिलों तक साथ चलता कौन है, और तुम न जब पलटे मेरी आवाज पर, तुम न जब पलटे मेरी आवाज पर, फिर सदाएं मेरी सुनता कौन है, इश्क में ये फिक्र करता कौन है, और कौन जीता और कौन हारा कौन है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक मुकम्मल गजल मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ, समाप्त फरमा ले, सुनिए। तेरी खातिर है हम जी रहे हैं यहाँ, सुनिए। तेरी खातिर है हम जी रहे हैं यहाँ,
आपको। तेरी खातिर ही हम जी रहे हैं यहाँ, करवटें लेते गुजरी है रातें कई, करवटें लेते गुजरी रातें कई, करवटें लेते गुजरी है रातें कई, कितने बेचैन दिन भी रहे हैं यहाँ। बहुत खूब। जख्म जो भी मिले सी रहे हैं यहाँ, तेरे खातिर ही हम जी रहे हैं यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया शेर अर्ज किया है। कि तल्ख बातें तल्ख बात करना हमें आई नहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर। तल्ख बातें करना हमें आए नहीं, हम जुबान लेके मीठी रहे हैं यहाँ। बहुत बहुत सुंदर। जख्म जो भी मिले सी रहे हैं यहाँ। एक शेर और अर्ज किया, सुनिए। कि जिस्म को मौत आई तो दफना दिया। क्या बात है। जिस्म को मौत आई तो दफना दिया, रूह जख्मी लिए जी रहे। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक शेर और अर्ज करती हूँ। प्रसाद, प्रसाद। कि सब हो अहले जुबान ये जरूरी तो नहीं, सब हो अहले जुबान ये जरूरी तो नहीं, मुद्दतों बेजुबान भी रहे हैं यहाँ। बहुत खूब। मक्ता भी हाजिर करती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि एक हम ही नहीं मैं कदे में शशि, एक हम ही नहीं मैं कदे में शशि, एक हम ही नहीं मैं कदे में शशि, सैकड़ों वर्ष के गम पी रहे। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। जख्म जो भी मिले सी रहे हैं यहाँ, तेरी खातिर ही हम जी रहे हैं यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। और एक गजल आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगी। हाथ में अमन का परचम ही उठाया जाए। वाह वाह वाह। हाथ में अमन का परचम ही उठाया जाए, हाथ में अमन का परचम ही उठाया जाए, जख्म पर प्यार कमर हम लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जख्म पर प्यार कमर हम भी लगाया जाए, अधूरे हो जाए या दावत तो बड़ा काम है ये, दूर हो जाए या दावत तो बड़ा काम है ये, कोई इंसान न बस्ती में जलाया जाए। बहुत बहुत।
बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इंसान न बस्ती में जलाया जाए। और एक शेर मैंने अपने लिए कही है, सुनिए। मैं अगर फूल हूँ कदमों से लगा लो अपने, मैं अगर फूल हूँ कदमों से लगा लो अपने, मैं अगर फूल हूँ कदमों से लगा लो अपने, और पत्थर हूँ तो रास्ते से हटाया, और पत्थर हूँ तो रास्ते से हटाया जाए। और एक वो शेर पढ़ना चाहती हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम हमारे सब भाई हैं, सुनिएगा। कि मिल के रहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों, बिल्कुल मिल के रहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों, प्यार से फिर वही बस्ती को बसाया जाए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्यार से फिर वही बस्ती को बसाया जाए, हाथ में अमन का परचम ही उठाया जाए, बहुत पर प्यार कमर हम ही लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कवि के रूप में मैं हाजी रियाज खान गौहर जी को आवाज देती हूँ इन पंक्तियों से, कि अगले कवि के रूप में कविवर आए आप, अगले कवि के रूप में कविवर आए आप, और कविता से संदेश दें सुंदर लल्लन टाप। अर्ज करता हूँ एक शेर एक मतलब एक दो शेर से, कि दिल के अरमान छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे, दिल के अरमान छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे, आत इसे शौक से दामन को बचाऊं कैसे। आज दो वक्त की रोटी के पड़े हैं नाले, आज दो वक्त की रोटी के पड़े हैं नाले, नौजवान बेटी का मैं ब्याह रचाऊं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेटी का मैं ब्याह रचाऊं कैसे, कोई तदबीर जहन में, कोई तदबीर मेरे जहन में आती ही नहीं, वो तो रूठे है कसम खा के मनाऊं कैसे, वो तो रूठे है कसम खा के मनाऊं कैसे। और गजल समाज फरमाए कि भेदभाव हम न रखें बस दिलों के दरमियां, भेदभाव हम न रखें बस दिलों के दरमियां, काम आए हर किसी के हम मुश्किलों के दरमियां, काम आए हर किसी के मुश्किलों के दरमियां, और कुछ ना कुछ होता ही रहता है घरों के दरमियां, बेशक कुछ ना कुछ होता ही रहता है घरों के दरमियां, अपना दुखड़ा क्या सुनाते दोस्तों के दरमियां, अपना दुखड़ा क्या सुनाते दोस्तों के दरमियां, नफरतों के बीज बोकर वो दिलों के दरमियां, रोटियां भी सेकते हैं मसलों के दरमियां, राह में गुमराह करके छोड़ देंगे वो तुम्हें, भूल कर भी तुम न रहना लीडरों के दरमियां। देखिए फजलो करम अल्लाह का कैसा हुआ, रह गए बचकर फंसे थे हादसों के दरमियां, रह गए बचकर फंसे थे हादसों के दरमियां, और हौसला पीछे कभी हटने नहीं देता मुझे, हौसला पीछे कभी हटने नहीं देता मुझे, जिंदगी काटी है मैंने मरहलों के दरमियां, जिंदगी काटी है मैंने मरहलों के दरमियां, कैसी मजबूरी है उनकी देख लेंगे आप भी, गौर से जब देखिएगा फासलों के दरमियां, वक्त आता है बुरा तो सब पता चलता है खुद, अब जब भी कहीं भी लगी है मियां, मुफलिसों की ही बस्ती जली है मियां, आज जब भी कहीं भी लगी है मियां, मुफलिसों की ही बस्ती जली है मियां, आज कैसी मेरी जिंदगी है मियां, आज कैसी मेरी जिंदगी है मियां, पास आती नहीं जो खुशी है मियां, क्या बात, पास आती नहीं जो खुशी है मियां, पेट खाली जो फुटपाथ पे सो रही, पेट खाली जो फुटपाथ पे सो रही, और कोई नहीं मुफलिसी है मियां, और कोई नहीं मुफलिसी है मियां, हाल ऐसा हुआ आज मेरे शहर का, चार सूबे रुखी है मियां, चार सूबे रुखी है मियां,
वार करता रहा दोस्त ही दोस्त पर, उसको कैसे कहें दोस्ती है मियां, उसको कैसे कहें दोस्ती है मियां। बोलता कुछ नहीं जुल्म सहकर भी वो, बोलता कुछ नहीं जुल्म सहकर भी वो, क्या पता कौन सी बेबसी है मियां, क्या पता कौन सी बेबसी है मियां। अगर न देखूं उन्हें चैन मिलता नहीं, गर न देखूं उन्हें चैन मिलता नहीं, एक मेरी यही तो खुशी है मियां, एक मेरी यही तो खुशी है मियां। दे न पाया वो बेटी को अपनी जहेज, दे न पाया वो बेटी को अपनी जहेज, आग के भेंट चढ़ गई है मियां, आग की भेंट चढ़ गई है मियां। और घर में घर भी अपना अगर बेच कर दे जहेज, कहने वाले कहेंगे कमी है मियां, कहने वाले कहेंगे कमी है मियां। मख्तार है कि कुछ तो गौहर इबादत करो तुम यहाँ, कुछ तो गौहर इबादत करो तुम यहाँ, जिंदगी का तो मकसद यही है मियां, जिंदगी का तो मकसद यही है मियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही सबको देगा तो तू हैरान क्यों है, वही सबको देगा तू हैरान क्यों है, तुझे भी मिलेगा परेशान क्यों है, क्यों है मेरी बात से इतना हैरान क्यों है, बस इतना बता तू परेशान क्यों है, बस इतना बता तू परेशान क्यों है। शराफत की जिसकी कसम खा रहे थे, शराफत की जिसकी कसम खा रहे थे, अचानक वही आज शैतान क्यों है। बहुत खूब। वतन के लिए खून बहाया है जिस बहाना है जायज, किसी का वतन पे फिर एहसान क्यों है, किसी का फिर वतन पे एहसान क्यों है। तेरे दिल में क्या है बता, बता कुछ तो मुझको, मेरे यार इतना परेशान क्यों है, मेरे यार इतना परेशान क्यों है। तुझे इंसान उसने बनाया था लेकिन तू अपने ही कर्मों से हैवान क्यों है, तू अपने ही कर्मों से हैवान क्यों है। तेरे राज खुल जाएंगे उसकी खातिर, तू सच्चा अगर है तो परेशान क्यों है। बुलंदी में जाना तो गौहर का हक था, भला इसमें कोई परेशान क्यों है। बुलंदी में जाना तो गौहर का हक था, भला इसमें कोई परेशान क्यों है। बहुत सुंदर। सबकी खुशियों के लिए एड़ी घिसता बाप, सबको खुशियां बांट कर खुद दुख सहता आप। तो ये थे रियाज खान गौहर जी, बहुत सुंदर अपनी गजलों से हमें नवाजे। मैं उनकी रचना से इतना प्रभावित हुआ, आपके लिए दो लाइन मैं देना चाहूंगा। तेरे कूचे में आएंगे, तेरे कूचे में आएंगे, तेरे कूचे में आएंगे, तेरे कूचे में आएंगे, भले हम कूचे जाएंगे तेरे। अगले कवि के रूप में मैं रश्मि अमितेश पुरोहित जी को आवाज़ देती हूँ चंद पंक्तियों के साथ, कि कोई किसी को कम ना आके। दो सांकेतिक रूप में कहा है मैंने, दो चीज है, एक है रेखा और एक बिंदु। बिंदु छोटी इकाई है और रेखा बड़ी है। सुनिएगा कि रेखा बोली बिंदु से, रेखा बोली बिंदु से तेरी क्या औकात, रेखा बोली बिंदु से तेरी क्या औकात, मैं छत हूँ आधार भी मेरी तो क्या बात, मैं छत हूँ आधार भी मेरी तो क्या बात, और मेरी तो क्या बात बांट दू पल में हिस्से, मेरी तो क्या बात बांट दू पल में हिस्से, और भाषा हो या अंक सभी मुख मेरे किस्से, भाषा हो या अंक सभी मुख मेरे किस्से। धीरे बोली बिंदु मूल्य कब तुमने देखा, धीरे बोली बिंदु मूल्य कब तुमने देखा, बिंदु बिंदु के योग सदा बनती है रेखा। आइए रश्मि जी अपनी कविताओं से। करती हूँ, प्रकट करती हूँ नीलम जी, माँ शारदा को नमन करती हूँ, काव्य मंच को नमन करती हूँ। वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है,
तो हम मर्यादा और शालीनता से रहने वाली महिलाएं भी आजकल सोशल मीडिया चलाती हैं तो कई बार कुछ सोच लेती हैं, उसके चंद पंक्तियों में रचना से स्वागत। ये मर्यादाएं जीवन की कहाँ तक साथ चल पाए, ये मर्यादाएं जीवन की कहाँ तक साथ चल पाए, कभी तन्हा मिलो हमसे। अच्छा। कभी तन्हा मिलो हमसे कि खुल कर बात हो जाए। क्या बात है, वाह। कभी तन्हा मिलो हमसे कि खुल कर बात हो जाए, ये शालीनता जीवन की, ये शालीनता जीवन की कहाँ तक साथ चल पाए, कभी रूठो पिया हमसे। वाह वाह। कभी रूठो पिया हमसे कि दो दो बात हो जाए। बहुत बढ़िया। रूठो पिया हमसे कि दो दो बात हो जाए, ये असफलताएं जीवन की, ये असफलताएं जीवन की कहाँ तक साथ चल पाए। उठो जागो चुनो राहें। वाह। उठो जागो चुनो राहें कि जीवन खास हो जाए। वाह, बहुत सुंदर। जागो चुनो राहें कि जीवन खास हो जाए। बहुत सुंदर। जागो चुनो राहें कि जीवन खास हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अंतर मन से लिखी हुई एक कविता सुनाती हूँ, रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। मैं अपने सामर्थ्य की शक्ति से, मैं अपने सामर्थ्य की शक्ति से सबको सींचती रही, मैं अपने सामर्थ्य की शक्ति से सबको सींचती रही, जिंदगी अविश्वास की रेखाएं खींचती रही। वाह। जिंदगी अविश्वास की रेखाएं खींचती रही, अविश्वास के दायरों में, अविश्वास के दायरों में मैं कभी सुलझती रही कभी उलझती रही। अविश्वास के दायरों में मैं कभी सुलझती रही कभी उलझती रही, प्रति क्षण जन्म लेती मेरी हस्ती, प्रति क्षण जन्म लेती मेरी हस्ती और प्रति क्षण ही मिटती रही। वाह। कभी लाचार कभी बेबस कभी आतुरता से, कभी लाचार कभी बेबस कभी आतुरता से बहारों की उम्मीदों पर, बहारों की उम्मीदों पर जिंदगी घिसती रही। क्या बात। बहारों की उम्मीदों पर जिंदगी घिसती रही, ना मिला सुकून, ना मिला सुकून सांसों के थमने पर, ना मिला सुकून सांसों के थमने पर, रुदाली भी मुझे शमशान से खींचती रही। बहुत। रुदाली भी मुझे शमशान से खींचती रही, उन्मुक्त होकर भी पवन से, उन्मुक्त होकर भी पवन से मुक्त ना हुई, आत्मा भी मोक्ष द्वार पीटती रही। क्या। आत्मा भी मोक्ष द्वार पीटती रही। मैं अपने सामर्थ्य की शक्ति से सबको सींचती रही, जिंदगी अविश्वास की रेखाएं खींचती रही। बहुत सुंदर। अब मैं सामयिक रचना कुछ पढ़ना चाहती हूँ, नई लिखी है। स्वागत है। स्वागत है। मेरा देश भारत पारिवारिक मूल्यों और प्रेम के लिए जाना जाता है, परंतु वर्तमान में परिवार छोटे हो गए हैं और रिश्ते में वो प्रेम और स्नेह का अभाव हो गया है। तो जो लोग रिश्ते निभाना चाहते हैं उनके दर्द को बयां करती हुई मेरी ये रचना प्रस्तुत कर। स्वागत। अपने जख्म दिखाते किसको, अपने जख्म दिखाते किसको, वो तो और भी गहरे हो गए। अपने जख्म दिखाते किसको, वो तो और भी गहरे हो गए। जब हम अपने से बड़ों के पास गए, जब हम अपने से बड़ों के पास गए तो उन्होंने कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें देखकर तो हमारे ऐतिहासिक जख्म हरे हो गए। तुम्हें देखकर तो हमारे ऐतिहासिक जख्म हरे हो गए। छोटों के पास क्या जाते, छोटों के पास क्या जाते, वो तो न जाने कब से, वह तो न जाने कब से पैसों पे चढ़कर, वह तो न जाने कब से पैसों पे चढ़कर हमसे भी बड़े हो गए। वाह। हमसे भी बड़े हो गए। बहुत सुंदर। आसपास जब कहने निकले, आसपास जब कहने निकले तो मेरे अपने गली मोहल्ले वाले, तो मेरे अपने गली मोहल्ले वाले तमाशबीन से खड़े हो गए। मेरे अपने गली मोहल्ले वाले तमाशबीन से खड़े हो गए। ईश्वर के दर पर जब गए, ईश्वर के दर पर जब गए तो देखा विशेष दर्शन की खिड़की लगा, विशेष दर्शन की खिड़की लगा, ईश्वर भी अब महंगे हो गए। वाह। ईश्वर भी अब महंगे हो गए। बहुत बढ़िया कटाक्ष। पार्षद नेता विधायक सांसद, पार्षद नेता विधायक सांसद,
किसको बतलाते, किसको बतलाते, जीत का रंग पड़ते ही, जीत का रंग पड़ते ही वह सब तो गिरगिट के चेले हो गए। वाह, वह सब बहुत बढ़िया, चेले हो, बहुत बढ़िया। न्यूज चेले का जवाब नहीं, न्यूज सामाजिक संगठन सोशल मीडिया, न्यूज सामाजिक सोशल सामाजिक संगठन सोशल मीडिया, कोई खबर लगते ही, वो खबर लगते ही मेरे घर, मेरे घर टीआरपी के मेले हो गए, मेरे घर टीआरपी के मेले हो गए। अपना दर्द बताती, बहुत लास्ट अंतिम पंक्तियों पे गौर करिएगा। सुनी सी राहें हो, सुनी सी राहें हो या भरी महफिल, सुनी सी राहें हो या भरी महफिल, हमने खुद का खुद ही साथ दिया, हमने खुद का खुद ही साथ दिया, पर हम पहले अकेले थे अब और भी अकेले हो गए, पहले हम अकेले थे अब और भी अकेले हो गए, अपने जख्म दिखाते किसको, वह तो और भी गहरे हो गए। बहुत बहुत बढ़िया, और भी गहरे, बहुत बढ़िया। एक अंतिम अंतिम कविता सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। वर्तमान में नारी में सहनशीलता कम हो गई है, तो ऐतिहासिक सहनशीलता का वर्णन करती हुई मेरी एक रचना है। सदियों से, सदियों से कर्तव्य और मर्यादा के धागे में बुनी हुई स्त्री, सदियों से कर्तव्य और मर्यादा के धागे में बुनी हुई स्त्री कुंठा की वेदी पे चढ़ाई जाती है। वाह, कुंठा की वेदी में चढ़ाई जाती है। वेदना की पराकाष्ठा और क्या होगी, पीड़ा की वेदना की पराकाष्ठा और क्या होगी, जब पांच पतियों की प्यारी पांचाली, जब पांच पतियों की प्यारी पांचाली अपने ही जीवन साथी द्वारा जुए में लगाई जाती है, अपने ही जीवन साथी द्वारा जुए में लगाई जाती है। भरी सभा में अपनों के बीच, भरी सभा में अपनों के बीच जब उसकी अस्मिता उघाड़ी जाती है, भरी सभा में अपनों के बीच जब उसकी अस्मिता उघाड़ी जाती है, कर्तव्य निभाने की पराकाष्ठा और क्या होगी, कर्तव्य निभाने की पराकाष्ठा और क्या होगी, जब अपमानित लज्जित और तिरस्कृत द्रौपदी, अपमानित लज्जित और तिरस्कृत द्रौपदी पत्नी धर्म निभाने फिर भी वन में जाती है, पत्नी धर्म निभाने फिर भी वन में जाती है। एक मुक्त छंद की अलग तरह की रचना है। जैसे मृग कस्तूरी की चाह में रहता है, उससे प्रेम करता है, वैसे ही स्त्री पुरुष की चाह में रहती है और उसी की चाह में सुलझती और उलझती रहती है। तो उसी पर प्रस्तुत है मेरी एक रचना। जैसे मृग की चाह को मृग तृष्णा कहते हैं, वैसे स्त्री की चाह प्रेम तृष्णा लिखी है मैंने। वाह। तुमको पाने की चाहत का, तुमको पाने की चाहत का ऐसा एक एहसास रहा, तुमको पाने की चाहत का ऐसा एक एहसास रहा, नहीं भूले हो तुम मुझको ऐसा ही आभास रहा, नहीं भूले हो तुम मुझको ऐसा ही आभास रहा। नित-नित जीवन धारा ले गई, नित-नित जीवन धारा ले गई मुझको तुमसे दूर तलक। वाह। नित-नित जीवन धारा ले गई मुझको तुमसे दूर तलक, लौटोगे तुम फिर से, लौटोगे तुम फिर से ऐसा ही विश्वास रहा, लौटोगे तुम फिर से ऐसा ही विश्वास रहा। सब कुछ पाकर भी जीवन में, सब कुछ पाकर भी जीवन में फकीरी सा संताप रहा, सब कुछ पाकर भी जीवन में फकीरी सा संताप रहा, तुमको पाना खो देना, तुमको पाना खो देना जन कैसा ये इतिहास रहा, तुमको पाना खो देना जन कैसा ये इतिहास रहा। गलती की थी मैंने ही, गलती की थी मैंने ही या तुमको ही अविश्वास रहा, गलती की थी मैंने ही या तुमको ही अविश्वास रहा, मधुर प्रेम ना बिखरा पाई, मधुर प्रेम ना बिखरा पाई या तुमसे ही उपहास रहा, मधुर प्रेम ना बिखरा पाई या तुमसे ही उपहास रहा। मधुर तरंगों में बचकर भी, मधुर तरंगों में बचकर भी रीता रीता सा मेरा साज रहा। अंतिम चार पंक्तियां के अंदर हूँ। जब स्त्री पूरे कर्तव्य निभाती है तो क्या सोचती है अंत में, कर्तव्य निभाकर हार गई मैं, कर्तव्य निभाकर हार गई मैं कुछ ऐसा तुम्हारा अंदाज रहा। कर्तव्य निभाकर हार गई मैं कुछ ऐसा तुम्हारा अंदाज रहा, जैसे प्रभु राम अयोध्या लौट गए पर माँ सीता को वनवास रहा। वाह वाह। जैसे प्रभु राम अयोध्या लौट गए पर माँ सीता को वनवास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमको पाने की चाहत का
ऐसा एक एहसास रहा, बहुत बढ़िया, नहीं भूले हो तुम मुझको ऐसा ही आभास रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी रचना रश्मि जी पढ़ रही थी। मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि नारी तू नारायणी तू ही प्रिया महेश, नारी तू नारायणी तू ही प्रिया महेश, तू विद्या की खान है देवी तू हरवेश। बहुत 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 सुंदर रचना है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, इंडियन न्यूज पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होते हैं। नमस्कार। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। लुकिंग फॉर अ रिलायबल ऑनलाइन शॉपिंग साइट? वेलकम टू walkhart.com। We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials, such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids' corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005, 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। इंडियन न्यूज चैनल पर हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग। अब मैं अगली कड़ी में बुलाती हूँ बहन प्रीति शरू जी को और दो पंक्तियाँ देती हूँ कि गज़ल लिखने को जब भी मैं कलम कागज उठाती हूँ, गज़ल लिखने को जब भी मैं कलम कागज उठाती हूँ, नज़ारों में विषमताएं बहुत सारी ही पाती हूँ, जहाँ में हर तरफ फैली बुराई ही दिखे मुझको, जहाँ में हर तरफ फैली बुराई ही दिखे मुझको, तभी तो दर्द का दरिया गजल में मैं समोती हूँ, तभी तो दर्द का दरिया गजल में मैं समोती हूँ। आइए और अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से हमें आनंदित कीजिए। इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को प्रीति सरू का सादर नमन। थैंक यू नीलम। मैं चार लाइन से अपनी बातें शुरू करना चाहूँगी। स्वागत है। कि सामने आके देख मैदान में,
सामने आके देख मैदा में देर तक मुझसे लड़ नहीं सकता, नहीं सकता। साथ माँ बाप की दुआएं हैं, साथ माँ बाप की दुआएं हैं, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। वाह वाह, बहुत सुंदर। मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। और तरन्नुम में आपके साथ जुड़ती हूँ एक गजल। स्वागत स्वागत है। रुखवाऊं का मोड़ लेती हूँ, रुखवाऊं का मोड़ लेती हूँ, रुखवाऊं का मोड़ लेती हूँ, हाँ मैं सहरा निचोड़ लेती। क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। हाँ मैं सहरा निचोड़ लेती हूँ। और शेर रच किया है कि खुद बनाती हूँ प्यार का दर्पण, खुद बनाती हूँ प्यार का दर्पण, खुद बनाती हूँ प्यार का दर्पण, खुद ही हाथों से तोड़ ले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाथों से तोड़ लेती हूँ, बहुत सुंदर। रोशनी के लिए अंधेरों की, रोशनी के लिए अंधेरों की, रोशनी के लिए अंधेरों की, मैं कलाई मरोड़ लेती हूँ। वाह वाह वाह, मैं कलाई मरोड़ लेती हूँ। उससे हाथों को मैं छुड़ाने में, उससे हाथों को मैं छुड़ाने में, उससे हाथों को मैं छुड़ाने में, चूड़ियाँ अपनी तोड़। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। चूड़ियाँ अपनी तोड़ लेती हूँ। और शेर अर्ज किया है कि तुम हकीकत में पास आए हो, तुम हकीकत में पास आए हो, तुम हकीकत में पास आए हो, खुद को थोड़ा झिझोड़ लेती हूँ, खुद को थोड़ा झिझोड़ लेती हूँ। और मक्ते का शेर अर्ज किया है स्वागत कि मार के मैं अभी सरू पत्थर, मार के मैं अभी सरू पत्थर, मार के मैं अभी सरू पत्थर, झील की नींद तोड़ लेती हूँ, झील की नींद तोड़ लेती हूँ, रुखवाऊं का मोड़ लेती हूँ, हाँ मैं सहरा निचोड़ लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं अगला प्रस्तुति से पहले मैं एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि अभी चुनाव का मौसम आ रहा है, हालांकि ये विधा मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ। स्वागत है। चुनाव को लेकर बहुत छोटी सी रचना है, कविता है, स्वागत सबके समक्ष पेश करती हूँ। कि वह आया था कल शहर के एक मोहल्ले में, वह आया था कल शहर के एक मोहल्ले में अपना हाथ पसारे, वह आया था कल शहर के मोहल्ले में अपना हाथ पसारे, कल हमारे इन्हीं हाथों से उसकी तकदीर लिखी जाएगी, कल हमारे इन्हीं हाथों से उसकी तकदीर लिखी जाएगी, फिर कल, फिर कल अपने हाथों से हस्ताक्षर करेगा वह, फिर कल अपने हाथों से हस्ताक्षर करेगा वह, कि शहर के विकास में बाधक मोहल्ला हटा दिया जाए। क्या बात, शहर के विकास में बाधक मोहल्ला हटा दिया जाए। बहुत, मैं फिर आपके सामने बहुत सुंदर एक तरन्नुम में गजल लेकर। स्वागत है, स्वागत है। कि लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना, जब आएगा मेरा कमर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। कमर चांद को कहा जाता है। कि मोहब्बत में तेरी फना हो गए हम, मोहब्बत में तेरी फना हो गए हम,
मोहब्बत में तेरी फना हो गए हम, मिलेगी किसी दिन खबर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। और शेर अर्ज किया है कि जमाने से मिल जाए फुर्सत जो तुमको, जमाने से मिल जाए फुर्सत जो तुमको, हमारी तरफ एक नजर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। अशेर अर्ज किया है, सुनिएगा कि तुम्हें देख कर जिस तरह जी रहे हैं, तुम्हें देख कर जिस तरह जी रहे हैं, मरेंगे तुम्हें देख कर देख लेना, वाह तुम्हें देख कर जिस तरह जी रहे हैं, मरेंगे तुम्हें देख कर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। और शेर सुनिएगा, कि सरे शाम से टिमटिमा जो रहे हैं, सरे शाम से टिमटिमा जो रहे हैं, चलेंगे वही रात भर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। शेर सुनिएगा, स्वागत, बहुत प्यारा शेर है, कि खबर तो छपी है कि अमनो अमा है, खबर तो छपी है कि अमनो अमा है, उड़ा कर मगर कबूतर उड़ा कर मगर देख लेना, खबर तो छपी है कि अमनो अमा है, कबूतर उड़ा कर मगर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। और शेर सुनिएगा, कि गरीबों की बस्ती में जीती है कैसे, गरीबों की बस्ती में जीती है कैसे, कभी जिंदगी को उधर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना। और मक्ते का शेर है, स्वागत, चले जाएंगे जब यहाँ से सरू हम, चले जाएंगे जब यहाँ से सरू हम, ना आएंगे तुमको नजर देख लेना, चले जाएंगे जब यहाँ से सरू हम, ना आएंगे तुमको नजर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख लेना, जब आएगा मेरा कमर देख लेना, लिपट जाऊंगी दौड़ कर देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुना रही थी प्रीति शरू जी। और हमारे बीच एक संत कवि बैठे हैं, कि ज्ञान भक्ति का साथ यूं जो बाती संग दीप, ज्ञान भक्ति का साथ यूं जो बाती संग दीप, और कर्म सदा पूजा कहें कभी मोती ज्यो सीप, कभी मोती ज्यो सीप। मैं अगले कवि के रूप में बुलाना चाहती हूं संत कवि ओंकार दास वैष्णव जी को, और चार पंक्तियां देती हूं, कि कलम को है बहुत धिक्कार गर सच बात ना लिखूं, कलम को है बहुत धिक्कार गर सच बात ना लिखूं, मैं कायर हूं अगर डर कर सही हालात ना लिखूं, मैं कायर हूं अगर डर कर सही हालात ना लिखूं, कि पापी को लिखूं मशहूर, कि पापी को लिखूं मशहूर, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं मुमकिन अधर्मी को कभी कुख्यात ना लिखूं। तो आइए
दो शेर मैं आपको दे रहा हूँ स्वागत कि दिन दहाड़े सिपाही लुटा है जनाब, दिन दहाड़े सिपाही लुटा है जनाब, कोई जूता चुरा ले गया है जनाब। वाह भाई वाह। और डगमगाता हुआ चल रहा है जनाब, आज उसने तो ठर्रा पिया है जनाब। हो गया। हाँ। चलो धन्यवाद, शुक्रिया आपको। आइए, वैसे हमारा परिचय तो संचालिका दे चुकी हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं जांजगीर जिले से अकलतरा क्षेत्र कोटमी सोनार में राम मंदिर डबरा मठ से संबंधित हूँ। हमारे गुरुजी श्री श्री 108 श्री सर्वेश्वर दास जी हैं, जो कि महामंडलेश्वर पद पर हैं, महंत हैं डबरा मठ के, उन्हीं का शिष्य मैं संत कवि ओमकार दास। आइए, स्वागत है आपका। जबकि हम जैसे कि हम रामानंदी निर्वाणी अखाड़े से, तो क्यों ना भगवान राम से अपनी बात शुरू किया। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत खूब। सबसे पहले एक श्लोक, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आइए, मैं संक्षिप्त रामचरित मानस आप लोगों के सामने, भगवान राम के जन्म से लेकर के और रावण वध के बाद वापस अयोध्या तक का चित्रण इसमें है, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। हमारी रचना का शीर्षक है, राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। बढ़िया। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम राम हमारे तन मन बसते राम मेरे सुख धाम। वाह। राम हमारे तन मन बसते राम मेरे सुख धाम राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम करे राम की जो भी पूजा खुश हो ए हनुमान करे राम की जो भी पूजा खुश हो ए हनुमान ध्यान हमेशा करे राम की शंकर जी भगवान राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। दक्षिण कौशल से श्रृंगी ऋषि आकर यज्ञ कराया था दक्षिण कौशल से श्रृंगी ऋषि आकर यज्ञ कराया था राजा दशरथ ने उसका फल पुत्र रूप में पाया था। तीनों रानी खुशी में डूबी त्रिभुवन स्वामी आया था सरजू तट पे मनी दिवाली खुशी अयोध्या धाम। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम जय जय श्री राम। ठुमुक ठुमुक के चारों भाई पैजनिया को बजाए थे ठुमुक ठुमुक के चारों भाई पैजनिया को बजाए थे अल्प आयु में गुरुकुल जाके सारी विद्या पाए थे सुबह हुआ और ताड़का जैसे राक्षस मार गिराए थे रामचंद्र चरणों की रज पत्थर से नारी बनाए थे विश्वामित्र जी लेकर आए जिसको मिथिला धाम। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। भरी सभा में शिवधनु ही को तोड़ स्वयंवर जीता था भरी सभा में शिवधनु ही को तोड़ स्वयंवर जीता था वरमाला पहनाई थे जो नाम तो उसका सीता था अवधपुरी में खुशियों का फल कुछ ही दिन तो बीता था तभी कह कई और मंथरा मचा दिया कोह राम राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। बहुत बढ़िया। राम लक्ष्मण सीता ने फिर जंगल में पग धारा था राम लक्ष्मण सीता ने फिर जंगल में पग धारा था केवट ने फिर इन तीनों को गंगा पार उतारा। चित्रकूट में बना झोपड़ी उसमें किया गुजारा था चित्रकूट में बना झोपड़ी उसमें किया गुजारा था सूपनखा की नाक काट के खरदूषण को मारा था साधु बन के रावण आया पंचवटी के धाम। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम।
मूर्छित मिल गए गिद्ध जटाओ विप्र रूप हनुमान जी, मूर्छित मिल गए गिद्ध जटाओ विप्र रूप हनुमान जी, सुग्रीव के पापी भाई का हर लीना प्राण जी, नल नील ने सेतु बनाया लंका को प्रस्थान जी, रामेश्वर की किया था अपना दे शंकर का ध्यान जी, दुनिया दर्शन करने आए यही रामेश्वर धाम। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। अंतिम है स्वागत। अक्षय कुमार से रावण तक फिर चुन चुन कर संहार किया, अक्षय कुमार से रावण तक फिर चुन चुन कर संहार किया, मेघनाथ और कुंभकर्ण को एक एक करके मार दिया, वानर सेना विजय हो लंका में परचम लहराया, वानर सेना विजय हो लंका में परचम लहराया, मुकुट पहन लंकेश विभीषण मन में भारी हर्षाया, सीता जी को लेकर लौटे राम अयोध्या धाम। राम कहो जी राम कहो जी राम कहो जी राम। वाह जय श्री राम। पूरा माहौल राममय हो गया, बहुत अच्छा लगा। आइए अगर संचालिका का आदेश। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए एक और। एक और प्रतिनिधि रचना है। स्वागत है स्वागत। हमारी कविता का शीर्षक तो अंग्रेजी में है लेकिन उसका अर्थ शुद्ध हिंदी में है, और कविता का शीर्षक है व्हाट इज दिस। कविता का शीर्षक है व्हाट इज दिस। वर्तमान विसंगतियों को मैंने इसमें चित्रण करने का प्रयास किया है। सारी विसंगतियां तो नहीं मैं इसमें समाहित कर सकता, लेकिन कुछ विसंगतियों को आप लोगों के सामने व्हाट इज दिस शीर्षक से स्वागत है। हेलो हाय, हेलो हाय टाटा बाय, हेलो हाय टाटा बाय, बासी सड़ा खाए छप्पन भोग बताए, ये फैशन की नग्नता ये सरेआम किस व्हाट इज दिस। सबका अंग्रेजी में ध्यान, सबका अंग्रेजी में ध्यान, ये हिंदी का अपमान, खाते हरदम गुटका पान, दारू में है सबकी जान, ये मीट एग और फिश व्हाट इज दिस। बहुत कल के पैदा, कल के पैदा आज है दादा, कल के पैदा आज है दादा, पढ़ लिख कर रह गए हैं नादा। बहुत बढ़िया। पढ़ लिख कर रह गए हैं नादा, फैशन बढ़ा है इतना ज्यादा, समझ में आए नर या मादा, आज सभ्यता हो गई है टाए टाए फिश व्हाट इज दिस। नवयुवकों की मनमानी, नवयुवकों की मनमानी, पहने बाटा या लखानी, मेहनत करते मरती नानी, डरते थाना नहीं पुलिस व्हाट इज दिस। ये बिल्डिंग ठेकेदार, ये बिल्डिंग ठेकेदार करते बहुत अत्याचार, ये बिल्डिंग ठेकेदार करते बहुत अत्याचार, बना के पुलिया कई हजार, मारे बिना मौत की मार, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी इनसे खाएं किसमिस व्हाट इज दिस। ये नेताओं का जोर, नेताओं का जोर वाह वाह, ये नेताओं का जोर करते सभा भवन में शोर, ये नेताओं का जोर करते सभा भवन में शोर, रखते पाल के गुंडा चोर, जनता हो गई इनसे बोर, ऐसे नेताओं को करो डिसमिस व्हाट इज दिस। अंतिम है स्वागत है कि पाकिस्तान आंख जो दिखाए, पाकिस्तान आंख जो दिखाए भारत इसे समझ ना पाए। क्या बात है। पाकिस्तान आंख जो दिखाए भारत इसे समझ ना पाए, करके शांति वार्तालाप, करके शांति वार्तालाप, करते समय को बर्बाद, मोहम्मद गोरी को माफी दे देता, मोहम्मद गोरी को माफी दे देता, जैसे पृथ्वीराज उसी राह को पकड़े भारत भुगत रहा है यार। बहुत सही बहुत सही। ले बंदूकें उठो जवानों, गोली न होए मिस व्हाट इज दिस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं संत ओमकार दास जी हमें सुना रहे थे भक्तिमय और विसंगतियों पर। बहुत अच्छी रचनाएं।
हम जोड़े धन संपदा, हम जोड़े धन संपदा जो हो जाता नष्ट, नष्ट हम जोड़े धन संपदा जो हो जाता नष्ट, नेह जोड़ लो ईस से क्यों होगा फिर कष्ट। चार लाइन से संचालिका बुलाना चाहता हूँ कि अकेले चल रही आज की नारी, अकेले चल रही आज की नारी, वो अपनी मन जिने खुद पा रही नारी, अब सितम सहना गवारा नहीं, अब उसको पलट कर वार करने लगी है नारी, और सहारे की जरूरत अब नहीं उसको, कहां से कहां जा रही है नारी। हम सभी कवियों को मदारी नाच नचा रही थी। मैं चार पंक्तियों के साथ आदरणीय नीलम जायसवाल को आवाज देना चाहूंगी अपनी ही एक मुक्तक से, कि तेरी हस्ती निखार जाऊंगी, तेरी हस्ती निखार जाऊंगी, अपना सब कुछ मैं वार जाऊंगी, जीतने वाली जंग जो हूँ मैं, जीतने वाली जंग जो हूँ मैं, तू कहेगी तो हार जाऊंगी। अरे वाह, तू कहेगी तो हार जाऊंगी। आदरणीय नीलम जायसवाल, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद बहन प्रीति जी, और मैं चार पंक्तियां आज के बच्चों के लिए, स्वागत। आज की कुछ शिक्षा पद्धति ऐसी हो चली है, उस पर देखिएगा कि कुंजियों से पढ़े पास होते गए, कुंजियों से पढ़े पास होते गए, ज्ञान से हम भले हाथ धोते गए, ज्ञान से हम भले हाथ धोते गए, इस तरह राह हमने चुनी साथियों, इस तरह राह हमने चुनी साथियों, डिग्रियां तो मिली मूल्य खोते गए, डिग्रियां तो मिली मूल्य खोते गए। दो पंक्तियां आडंबर पर, बहुत स्वागत है, हमें यत्र तत्र सर्वत्र आडंबर देखने को मिलता है। दो पंक्तियां कि पाप पुण्य का संतुलन, पाप पुण्य का संतुलन कुछ रखते हैं रोज, पाप पुण्य का संतुलन कुछ रखते हैं रोज, चिड़ियों को पानी सुबह मुर्गा रात्रि भोज, चिड़ियों को पानी सुबह मुर्गा रात्रि भोज, रात्रि भोज यानी डिनर। आज की हकीकत, गुरु के चरणों में वंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, कि अपने गुरु को पै लगी और सबको जय राम, नीलम जायसवाल हूँ छंद साधना काम। मैं पितरों पर दो पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, हम सब पितर को अभी याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं, कि पितरों को भी पूजिए मन से पूरे पाक, बहुत सुंदर, पितरों को भी पूजिए मन से पूरे पाक, व्यंजन कुछ उनके लिए जिनकी तुम हो साख, बहुत व्यंजन कुछ उनके लिए जिनके तुम हो साख, और तिल और जल अर्पण करें, तिल और जल अर्पण करें पुरोहितों को दान, तिल और जल अर्पण करें पुरोहितों को दान, मरने पर भी दीजिए पुरखों को सम्मान, मरने पर भी दीजिए पुरखों को सम्मान। और एक गजल रखना चाहती हूँ, छोटी सी, कि जब भी चाहा आजमाना क्या करें, जब भी चाहा आजमाना क्या करें, हर दफे चूका निशाना क्या करें, जब भी चाहा आजमाना क्या करें, हर दफे चूका निशाना क्या करें, कि बंदिशों में रह के, बंदिशों में रह के हम पिछड़े रहे, बंदिशों में रह के हम पिछड़े रहे, और बढ़ गया आगे जमाना क्या करें, बढ़ गया आगे जमाना क्या करें, कि दोस्तों के संग हम खेले कहाँ, दोस्तों के संग हम सभी लोग बचपन में दोस्तों के साथ खेलते हैं,
सुनिएगा कि दोस्तों के संग हम खेले कहाँ, हमको था खाना पकाना क्या करें, हमको था खाना पकाना क्या करें, कि चाहते थे प्यार में पढ़ना नहीं, चाहते थे प्यार में पढ़ना नहीं, हाय उनका मुस्कुराना क्या करें, हाय उनका मुस्कुराना क्या करें, और पाक हो या चीन घर सुधरे नहीं, पाक हो या चीन, कवि लोग अगर पाक को लपेटे ना तो फिर वो अधूरे रह जाते हैं, कि पाक हो या चीन घर सुधरे नहीं, होगा नक्शे से मिटाना क्या करें, होगा नक्शे से मिटाना क्या करें, कि अभी कोरोना का कहर जारी है, कहीं कहीं अभी भी है उसका प्रकोप। अंतिम सुनिएगा कि मास्क नीलम बांध कर रखना सही, मास्क नीलम बांध कर रखना सही, पीढ़ियों को है बचाना क्या करे, पीढ़ियों को है बचाना क्या करे। और अंतिम एक रचना अपने मिजाज की पढ़ना चाहती हूँ। कुछ विसंगतियां हमारे समाज में आए दिन देखने को मिलती हैं, जब किसी स्त्री की आबरू पर चोट होता है, उन बलात्कारियों के लिए चंद पंक्तियां, कि सतरूपा का अंश नहीं, सतरूपा का अंश नहीं क्या मनु की उन संतानों में, सतरूपा का अंश नहीं क्या मनु की उन संतानों में, और पौरुष का क्यों दंभ भरा है जननी से अनजानों में, पौरुष का क्यों दंभ भरा है जननी से अनजानों में, कि मान किसी का मर्दन करके, मान किसी का मर्दन करके ये आपस में ताली दें, मान किसी का मर्दन करके ये आपस में ताली दें, और नारी को अपमानित करके निज जननी को गाली दें, नारी को अपमानित करके निज जननी को गाली दें, कि ऐसे वहसी जानवरों को हरगिज मत इंसान कहो, ऐसे वहसी जानवरों को हरगिज मत इंसान कहो, और पथ से भटके पथिक नहीं, कुछ लोग, कुछ हमारे नेता कह देते हैं कि बच्चे हैं इनसे गलतियां हो जाती हैं या ये भटक गए हैं, तो उन पर कहती हूँ कि ऐसे वहसी जानवरों को हरगिज मत इंसान कहो, ऐसे वहसी जानवरों को हरगिज मत इंसान कहो, और पथ से भटके पथिक नहीं, बस इनको हैवान कहो, बस इनको हैवान कहो, कि जो नारी की असमत लूटे। अंतिम ये है मेरा, मेरी इच्छा है ये, और मैं चाहती हूँ कि सभी समर्थन देंगे, कि जो नारी की असमत लूटे उसका तुरंत निदान करो, जो नारी की असमत लूटे उसका तुरंत निदान करो, और कोई आश्वासन मत देना, कोई आश्वासन मत देना, तत्क्षण उसके प्राण हरो, तत्क्षण उसके प्राण हरो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का यह काव्य का रंग कवियों के संग यहीं पर समापन होता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।